आज हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जानेंगे। बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त है। बेंटिक अपनी विजय के कारण नहीं बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। सामाजिक सुधार, सती तथा ठगी प्रथा का अंत। बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 तथा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया था। यह राजा राम मोहन राय के अनुशंसा पर किया था। राजा राम मोहन राय एक सामाजिक सुधार व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा के बारे में बेंटिक को एक पत्र लिखकर इसमें कानून बनाने की अनुशंसा की थी। ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए बेंटिक ने कर्नल सलीमन की नियुक्ति की। 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। नरबलि व शिशु हत्या पर प्रतिबंध। बेंटिक ने नरबलि तथा राजपूतों में लड़कियों की शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी जब गठन हुआ था तब उसमें बहुत सारे भेदभाव थे, जैसे यूरोपियों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था, भारतीयों को कम। उसके बाद फिर उन लोगों को ऊंचा पद नहीं दिया जाता, भारतीयों को उच्च पद के लिए नामित नहीं किया जाता था बल्कि यूरोपियों को ऊंचा पद दिया जाता था। इस तरीके के भेदभाव को, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत बेंटिक ने किया था। 1833 ईस्वी के एक्ट की धारा 87 के अनुसार जाति या रंग के स्थान पर योग्यता को ही सेवा का आधार माना तथा कंपनी के अधीनस्थ किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्मस्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं रखा जा सकेगा, यह बात को स्वीकार की गई। बात करें वित्तीय सुधार के लिए बेंटिक के कार्यों का, तो बेंटिक ने लोहे तथा कोयले के उत्पादन, चाय तथा कॉफी के बगीचों तथा नहरों की परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित किया था। बात करें शिक्षा संबंधी सुधार की, तो 1835 में एक प्रस्ताव द्वारा विलियम बेंटिक ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में साहित्य तथा विज्ञान की उन्नति करना होना चाहिए तथा शिक्षा के लिए स्वीकृत धन का व्यय सर्वोत्तम रूप से केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही होना चाहिए। इस प्रकार अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारतीय रियासतों के प्रति बेंटिक ने रियासतों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, परंतु कुछ रियासतों में अव्यवस्था का आरोप लगाकर बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर, 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया।